प्रश्न ये नहीं है कि गुरु कैसे, ईश्वर कैसे हैं। प्रश्न ये है कि हमारा दिल प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर घाटे का काम है। प्रेम पूर्ण हृदय हो, नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं योग कुयोग। हृदय प्रेम पूर्ण नहीं है ईश्वर और गुरु के प्रति तो योग जो है वो कुयोग है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम पर धानु, वो योग कुयोग गिना जाएगा। तो प्रेम पूर्ण हृदय होगा तो शरणागति पूर्ण होगी। शरणागति माना किसी से सुख न चाहना, मैं तो इसी को शरणागति मानता हूं। किसी से भी सुख की आस न रही, समझो शरणागति पक्की हो गई। समझो उसकी सन्मुखता पूर्ण हो गई, वो गुरु के सन्मुख है। भले दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, कनाडा में रहता है, अमेरिका में, कहीं भी रहता है वो साधक, सन्मुखता दृढ़ हो और शरणागति दृढ़ हो तो सन्मुखता, फिर से सुन ले, किसी से कुछ न चाहना, यही सन्मुखता है, यही शरणागति है। तो बोले हमारे जीवन में कष्ट हो तो हम क्या करें? क्या हम गुरु से न मांगे? हमारे जीवन में कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, तो क्या हम गुरु को प्रार्थना नहीं करें कि हमारा कष्ट नष्ट कर दो? क्या हमारी दुकान नहीं चलती या आर्थिक परेशानी है तो हम गुरु जी को न कहें? नहीं, उसके लिए शिव जी बैठे हैं। कैसे तो सुनिए, स्कंद पुराण में आता है। मैं तो शास्त्र की बात आपके आगे रख देता हूं, करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी मर्जी, मेरी है केवल अर्जी। स्कंद पुराण में आता है कि जिन लोगों की सदा शिकायत रहती है कि हमारा हर कार्य बिगड़ जाता है, जिस काम में हाथ डालते हैं हमारा काम बिगड़ जाता है, फिर सिर पे कर्जा बढ़ जाता है, बड़े परेशान हो गए हम, क्या करें? और आप कहते हो कि कुछ न चाहना ये सन्मुखता है, ये शरणागति है, तो क्या किया जाए? देखो स्कंद पुराण में जो बताया है मैं वो बता रहा हूं कि सोमवार हो कोई भी, जैसे परसों सोमवार है, किसी भी सोमवार से सफेद कपड़े पहने हुए हों सोमवार को, और घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो वहां जाकर पुष्प धूप दीप और कुछ नैवेद्य नारियल आदि कुछ भी वो चढ़ा दें, और कुछ नहीं तो दूध में मिश्री मिलाकर, कच्चा दूध हो, मिश्री पाउडर मिलाकर वो चढ़ा दें और मंत्र बोलें, वो हर सोमवार को करें, तो जो कार्य में विघ्न आते हैं ना वो अपने आप दूर होने लगेंगे, आपका काम सफल होने लगेगा, आप सक्सेस होते जाओगे, चाहे दुकान में, चाहे घर गृहस्थी के कोई समस्या निवारण में सफल होते जाओगे। किसी भी सोमवार से शुरू करें और करते रहें। 10 मिनट लगेंगे ये करने में, अरे 5 मिनट और क्या, जल्दी हो तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं, आराम से करो तो 10 मिनट लगे। कई लोग होते ना वो जल्दी बहुत मचती, उन लोगों को समय से काम किया करो। एक व्यापारी था, मैंने सुन रही ना सब, हाँ
व्यापारी था, विदेश का एक व्यापारी उसके फोन से संपर्क में था और कोई सौदा करना था। होटल में उन्होंने तय किया कि अमुक नंबर के टेबल पर अपन मिलेंगे, वहीं बाकी की बातचीत तय कर देंगे और अपना कारोबार शुरू। तो विदेश का जो व्यापारी था वो बराबर टाइम से पहुंच गया और ये 10 मिनट लेट पहुंचा। 10 मिनट लेट पहुंचा तो जिस टेबल पर उन्होंने तय किया था अमुक नंबर के टेबल पर मिलेंगे, तो उस टेबल पर वो व्यक्ति तो नहीं था। इसने सोचा कि मैं बिफोर आ गया, वो मेरे से लेट है। पर टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी, उस पे लिखा था, श्रीमान आप समय से पहुंच नहीं पाए तो हमको व्यापार के लिए माल समय से कैसे पहुंचाओगे? आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, आप समय के पाबंद नहीं हैं, इसलिए हम आपसे जो सौदा तय किया था वो कैंसल कर रहे हैं, दूसरा कोई व्यापारी हम देख लेंगे उस सौदे के लिए। लाखों रुपए का उसको घाटा हुआ, केवल 10 मिनट देरी से पहुंचा बस। तो समय का पाबंद होना चाहिए परंतु अधीर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी सोमवार से ये कर सकते हैं, मंत्र स्कंद पुराण में बताए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम दशभुजाय नमः। ओम दशभुजाय नमः। ओम दशभुजाय नमः। ओम दशभुजाय नमः। दूसरा, ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम शूलिने नमः। ओम शूलिने नमः। ओम शूलिने नमः। ओम शूलिने नमः। ओम श्वेतवृषभारूढाय नमः। ओम श्वेतवृषभारूढाय नमः। ओम श्वेतवृषभारूढाय नमः। श्वेत वृषभ पर जो आरूढ़ है भगवान शिव, उनको प्रणाम है। ओम श्वेत वृषभारूढाय नमः। ठीक है, छठा, ओम सर्वाभरण। ओम सर्वाभरण थोड़ा लंबा है इसलिए मैं दो दो बार बोल रहा हूँ टुकड़ा टुकड़ा करके, बाकी पूरा मंत्र। ओम सर्वाभरण। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। भूषिताय नमः। ये एक ही है पूरा छठा मंत्र, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। सातवां, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः। ओम उमा देहार्धस्थाय नमः। ओम उमा देहार्ध मतलब वो अर्ध नट नारीश्वर है ना, एक तरफ नहीं, कभी चित्र देखा हो आधा भाग शिव जी का आधा पार्वती जी का, ऐसा फोटो देखा होगा कभी मंदिरों में, मैंने देखा है।
तो ओम उमा देहार्ध, ध धारण वाला ध, उमा देहार्ध स्थाय नमः, आधा स थाय नमः, ओम उमा देहार्ध स्थाय नमः। आठवां मंत्र, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः। ये आठ मंत्र हैं, केवल केवल आठ। ओम दशभुजाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम शूलिने नमः, ओम श्वेतवृषभारूढाय नमः, ओम सर्वाभरणभूषणाय नमः।